चाय का ठेला लगाने वाले के अकाउंट में आए 5 करोड़ रुपए। पैसा आते ही चाय के ठेले वाले की बुद्धि फिर गई और जिस पुलिस से वह मदद मांगने गया उन पुलिस अधिकारियों पर ही लगा दिया पैसा लेने का आरोप। मामला उज्जैन जिले का है। उज्जैन में चाय का ठेला लगाने वाले राहुल मालवी के अकाउंट में इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से किसी ने 5 करोड़ रुपए डाल दिए। यह पूरा ट्रांजेक्शन राहुल की सहमति से हुआ था। राहुल के मुताबिक उसे सौरभ नाम का एक युवक मिला। उसने कहा कि तुम्हें 15,000 रुपए दूंगा फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने के और तुम अपना बैंक अकाउंट दो। राहुल ने उसे बैंक अकाउंट दे दिया और यह पैसा ट्रांसफर होने लगा। सब कुछ जानने के बावजूद राहुल ने CSP कोतवाली पल्लवी शुक्ला पर झूठा आरोप लगा दिया और सुनील बैरागी नाम के व्यक्ति का भी इसमें उल्लेख किया कि उसने 5 लाख रुपए मांगे। एक्सपोज टुडे ने सुनील बैरागी को खोजा और उससे पूछा कि वास्तविकता क्या है। सुनिए आप क्या बोल रहा है सुनील बैरागी। सर मैंने कोई 5 लाख की मांग नहीं की है, ना कोई मैंने इसमें कोई इन्वॉल्व है अपना। आप क्या काम करते हैं? सर मैं मजदूरी का काम करता हूँ, सफाई कर्मी हूँ। मैं कोतवाली थाने में सफाई का काम करता हूँ मैं, और फिर बाद में इधर CSP ऑफिस में भी सफाई का काम करता हूँ। तो इसमें जो आरोप लग रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें मेरा कोई ना तो कोई अधिकारी ने के उस पे मैंने पैसे मांगे हैं कोई अधिकारी के नाम के, ना कोई पुलिस वाले के नाम के पैसे मांगे को वो उसको चाहिए इसके चाहिए, मुझे कोई भी नहीं पैसे ऐसे कोई नहीं मांगेगा श्रीमान। तो इसमें जो CSP का भी एक नाम आ रहा है कि CSP के द्वारा? सर उन्होंने कुछ पैसे ही नहीं मांगे ना किसी, वो उसको वो लड़का मुझे मिला ये राहुल मालवी, मैं कोतवाली में सफाई का काम कर रहा था, मुझे फिर बाहर बुलाया, वो लड़का मेरे साले के थ्रू मुझसे मुलाकात हुई थी उससे, और फिर वो मुझे कह के मेरे को कोर्ट में ये थाने पे एक आवेदन देना। मैंने कहा भैया थाने में नहीं देना आपको, आप कोर्ट में दो आप। तो बोले मेरे को आवेदन टाइप करवा दो, तो मैं आवेदन टाइप करवा दिया उसका। तो फिर मैं आवेदन वाले को उसने 500 रुपए नहीं दिए थे, तो मैंने बोला उसके पैसे फिर, तो बोले मैं कल दे दूंगा। तो फिर वो कल हो गया नहीं दिया, फिर मैंने 2-1 बार उसको फोन लगाया तो फिर फोन नहीं उठा। इसमें मेरी आनाकानी हो गई थी श्रीमान, और मैंने कोई इसमें ना तो कोई 5 लाख रुपए मांगे ना कोई मैं इन्वाइट हूं इसके अंदर, ना कोई किसी पुलिस वाले ने मांगे ना कोई अधिकारी ने मांगे। तो ये आरोपी जो है ये झूठी बात झूठी अफवाह फैला रहा है श्रीमान ये, और समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित हो रही है उसमें फर्जीवाड़े से दे रहा है ये, क्या मेरे को फंसाना चाह रहा है और पुलिस वाले भी मुझे फंसाना चाह रहे हैं इसमें इसके अंदर। सर ये बिल्कुल आरोप मेरे पे झूठा लगाया गया 5 लाख का, बोले मैंने 5 लाख मांगे किसी अधिकारी के नाम पे, ये बिल्कुल झूठा है, और मेरे घर वालों को भी पुलिस बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मैंने क्या IG साहब को इनको सभी को आवेदन, गृह मंत्री को इनको आवेदन प्रस्तुत किया है और उनके सामने मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरे खाते में 3 से 4 करोड़ रुपए आए हैं और मेरे को जॉब का ऐसा बोल के झूठ बोल के काम करवाएंगे और मेरे अकाउंट से पैसे निकालेंगे। क्या काम का बोला गया था तुमसे? मैंने बोला था कि फेसबुक पे वीडियो डालना है और उसके तुमको 15,000 महीना देंगे ना, मेरा कोटक और HDFC में सभी ऐसी प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवा के उनसे पैसे सामने वालों ने निकाले। मेरे को इंदौर में रखा 15 दिन, फिर वहाँ से मतलब पैसे आने लगे तो मैंने पूछा था उनसे, तो बोले कि हमारे सर का पैसा है, बोले वो लेंगे। उसके बाद फिर मेरे को घर भेज दिया, घर पर आने के बाद ही पैसे आते रहे थे। जब लास्ट में मेरे को मालूम पड़ा तो मैंने उससे मम्मी के नाम पे मकान में इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को उठवा लिया ने मम्मी से मकान नाम करवा लिया, उठवा लिया ने थाने पे बिठवा लिया माधव नगर पे ने मेरे को, फिर बाद में मारा भी था। बेटा संज्ञान में आया है कि किसी राहुल मालवीय नाम के लड़के के खाते में 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके रिगार्डिंग SP सर ने निर्देशित किया है जाँच करने के लिए, और उसमें अभी जांच की जा रही है, उसके राहुल के बयान नोट किए जा रहे हैं, जो भी आगे जैसा भी जांच में आएगा जो वो बताएगा कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुआ है उसके आधार पर अग्रिम जो भी कार्रवाई की जाएगी।